हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को फोन पर डाटा रिकवरी करना बताया था, तो आज की वीडियो में मैं आपको पीसी और लैपटॉप पर डिलीट हुए डाटा को रिकवर करना बताऊंगा, वो भी फ्री में गाइस। जी हाँ, आप बिल्कुल फ्री में अपने डिलीट हुए डाटा को रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही पुराने क्यों ना हो। तो अगर आप भी अपने पीसी या लैपटॉप पर गलती से अपने पर्सनल फोटो या वीडियो को डिलीट कर चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने कंप्यूटर पर अनलिमिटेड डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कोई भी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, डाटा रिकवरी करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है फोटोरेक। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना है गूगल क्रोम में और यहाँ सर्च बार में टाइप करना है फोटोरेक और सर्च करना है। सर्च होने के बाद आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर चले जाना है। तो अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप हार्ड डिस्क, सीडी रोम और डिजिटल कैमरा के मेमोरी कार्ड को रिकवर कर सकते हैं। इस खास बात यह है कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब आप इससे अनलिमिटेड डाटा को रिकवर कर सकते हैं। मैंने खुद इस सॉफ्टवेयर से कई सारे मूवीज़ को भी रिकवर किया है जिसका साइज 1 GB से भी ज़्यादा था। गाइस, अगर आपका हार्ड डिस्क गलती से फॉर्मेट हो चुका है तो उसे भी आप आसानी से रिकवर कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल क्वालिटी में। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह सभी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है, जैसे कि विंडो, लिनक्स, मैक और यूनिक्स आदि। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ डाउनलोड टेस्ट डिस्क एंड फोटोरेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर एड्स आ जाए तो उसे यहाँ से कट कर देना है। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ राइट साइड पर एक ग्रीन कलर का डाउनलोड बटन मिल जाएगा, यहाँ से क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इस मैंने पहले ही इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया था, तो इसे कैंसिल कर देता हूँ और अब इसे ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक फोल्डर दिख रहा होगा, यह एक जीप फाइल है, तो इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद एक और फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना है और जो क्यू फोटोरेक विन नाम का फोल्डर होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट आल का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट आल कर लेना है। उसके बाद डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। अब एक फोल्डर बन जाएगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ एक फाइल मिलेगा क्यू फोटोरेक विन का, तो इस पर राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पीसी में हार्ड डिस्क लगा होगा तो यहाँ शो करेगा, मेरे पीसी में 500 GB का हार्ड डिस्क लगा है। आप यहाँ दो तरीके से डाटा रिकवरी कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि पूरे हार्ड डिस्क को एक बार में रिकवर कर सकते हैं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि अलग अलग पार्टीशन को सेलेक्ट करके भी रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आपको हार्ड डिस्क के पार्टीशन को रिकवर करके दिखाऊंगा। इस यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस ड्राइव के सभी फाइल्स को डिलीट कर दिया है, और अब मैं आपको रिकवरी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं इस ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ एक डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आप अपने रिकवर डाटा को सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ ब्राउज पर क्लिक करना है और कोई भी फोल्डर या ड्राइव को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एफ ड्राइव को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फाइल्स फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जिस फाइल को आप रिकवर करना चाहते हैं। तो पहले यहाँ से रीसेट कर लीजिएगा, उसके बाद जिस फॉर्मेट का फाइल से रिकवरी करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़ोटो के लिए JPG, वीडियो के लिए MP4, MKV, MPG और ऑडियो के लिए MP3 फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कुछ देर वेट करना है, जब यह 100% हो जाएगा तो स्कैन कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। A few moments later. So guys, recover complete हो चुका है और यहाँ 20,000 से भी ज़्यादा फाइल्स रिकवर हो चुके हैं। तो अब एप ड्राइव में जाकर देखते हैं डाटा रिकवरी हुआ है या नहीं। So guys, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फोटोज़ रिकवर हो चुके हैं जो कि मैंने डिलीट कर दिया था। तो मैं आपको कुछ फोटोज़ को ओपन करके दिखा देता हूँ। सभी फोटोज़ ओरिजिनल क्वालिटी में रिकवर हुए हैं। सो गाइस, इस तरह से आप अपने पीसी या लैपटॉप के डिलीट हुए डाटा को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।